मैं डिग्री कॉलेज सुनकोट का स्टूडेंट हूँ फिफ्थ सेमिस्टर का। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमारा ये जो कॉलेज है ये समर जोन के अंडर आ रहा है। इस हिता पीर मिजाल में जितने भी हमारे इंस्टीट्यूट आते हैं वो सब जो है विंटर जोन में आते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं बर्फबारी एकदम शुरू हो चुकी है। अब हमारे यहाँ के जो स्टूडेंट हैं वो इतने जल्दी नहीं आ सकते कॉलेज, जल्दी क्या सर्दियों में बिल्कुल भी नहीं आ सकते कॉलेज। तो इसलिए हमारी गुजारिश यही है कि हमारे कॉलेज को जो है विंटर जोन में किया जाए ताकि हमारे लिए आने में आसानी हो सके यहाँ कॉलेज में। और हमारे जो ट्रांसपोर्ट सिस्टम भी इतना अच्छा नहीं है जो हमारे, मैं तो चलो यहीं पर्सनल सुनकोट से आता हूँ लेकिन जो बाकी स्टूडेंट हैं जो दूर दूर के हैं, फजलाबाद हो गया, गुरसाई साइड हो गया, वो वक्त पर नहीं पहुँच सकते। इसलिए हमारी मांग है कि हमारे कॉलेज को विंटर जोन किया जाए। अब्दुल मलिक है और मैं जहाँ पे थर्ड सेमेस्टर का स्टूडेंट हूँ बीएससी, मैं यहाँ पे अभी फजलाबाद से आया हूँ। यहाँ पे इतनी बारिश में आप देख सकते हैं यहाँ पे अभी भी बारिश हो रही है और यहाँ से वहाँ पे इतनी कीचड़ में आना, कॉलेज में आना, यहाँ पे क्लासेस नहीं हो रही, ठंड में हम बैठ नहीं सकते क्लास में और क्लासेस भी ऊपर से अगर कंटिन्यू बंदा लगाएगा भी तो इतनी ठंड में नहीं पॉसिबल हो सकता। बारिश होती है मतलब आपको पता है आप सुनकोट में रहते हो तो यहाँ पे दिसंबर जनवरी फरवरी यहाँ पे इतनी ठंड होती है, बारिशें बर्फ़ होती है, इसमें क्लासेस लेना पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए हमारी यही मांग है कि हमारे यहाँ पे विंटर जोन किया जाए और समर जोन को हटा के, क्योंकि यहाँ पे आपको पता है यहाँ पे इस टाइम देखो आपके सामने यहाँ पे गर्ल्स जो आती हैं वो बहुत दूर दूर इलाके से आती हैं, जैसे कि मड़ा हो गया, सैला, इस वक्त वहाँ पे देखोगे आप दो दो फुट बर्फ़ पड़ी हुई है। वहाँ से आएंगे तो आप खुद सोच सकते हो कितना स्लिप होता गाड़ी से, कितना रिस्की चीज़ है। और वहाँ से मड़ा से आ रही है, वहाँ पे गुंथल दंदी दड़ा, कितनी दूर दूर से ये पॉसिबल नहीं है। हमारी यही मांग है कि हमें विंटर जोन किया जाए।